आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमान मल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। जय जिनेंद्र। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, मैं व्यापार के प्रतिष्ठित दुकानों में जा जा करके साक्षात करने का मेरा कार्यक्रम चल रहा है। आज ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार आप तक पहुंचा रहा हूं, जिनका किया हुआ आज मुझे भेजने का अवसर मिल रहा है। क्यों कि कुछ दिन पूर्व ही मैंने उनका साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मुझे आशीर्वाद दिया था। डिजिटल डाइटिंग लिया असुराय को आशीर्वाद दिया, मेरे साथ अशोक जी भी थे, उनको भी आशीर्वाद उनको लेने का मौका मिला। और ऐसे भाव विभोर होके बोल रहे थे, बोले तुम जो काम कर रहे हो, जो आज मुझे 1952 में जो मैंने काम किया था वो तुम आज कर रहे हो, गोलछा तेरी उम्र भी कम नहीं है। और मैं कहता हूँ मेरी सारी उम्र क्या, और भी तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, इतने साल और काम करता रहे। मैंने कहा लाला जी ऐसा आशीर्वाद मत दो, आप तो साक्षात्कार के आप व्यापारी भाइयों को और समाज को संबोधित करो। तब उन्होंने संबोधित किया, वो कुछ दिन पूर्व ही मैंने उनका लिया था। और व्यापार मंडल के नया बाजार के 2 बार चुनाव में आप जीत करके आए, इसी तरह समाज में उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की, इसी तरह समाज में महासंघ से लेकर के स्थानवासी समाज में उनका रुतबा था। आज भी ओम प्रकाश जैन चावलावाले के नाम से जाने जाते हैं। अब ठे लग गया उनका, मुझे बड़े दुख के साथ लाला ओम प्रकाश जी जैन चावलावाले आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा लिए गए लाला ओम प्रकाश जी के साक्षात्कार को आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ और उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको इस वीडियो को सुनकर के वो सही स्थान देने की कृपा करें, उनसे मेरी प्रार्थना है मेरी। और आप लोगों से और परिवार वालों से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी शक्ति प्रदान करने की, कृपया करें दुख सहने की। जब बाजार वालों को समाज का यह हाल है तो परिवार वालों का क्या हाल होगा, ये तो आप खुद सोच समझ सकते हैं। व्यापारी भाइयों, समाज के सभी को मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, जैन संजोग पत्रिका अमर ज्योति डायरेक्टरी की तरफ से मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको उचित स्थान देने की कृपा करें और परिवार को शक्ति प्रदान करें। नमस्कार। जय जिनेंद्र। हनुमान मल जैन गोलछा। आप हैं श्री ओम प्रकाश जैन जी, फर्म ओम प्रकाश सुरेंद्र कुमार। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1952 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमान मल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमान मल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं उस महान व्यक्ति का साक्षात आपसे करवा रहा हूँ जो नाम के मुताबिक नहीं है, अपने आप में नाम प्रसिद्धि है। नया बाजार व्यापार में तो है ही है, व्यापार के साथ साथ समाज में भी आपका प्रमुख नामों से नाम गिना जाता है। आपने अपने जीवन में वो कार्य किया है जो आपकी प्रेरणा से लोग समाज और व्यापार दोनों से प्रेरणा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति महान व्यक्ति लाला श्री ओम प्रकाश जी जैन जो फिल्म के मालिक है, ओम प्रकाश सुरेंद्र कुमार, उनसे मैं आज साक्षात करवा रहा हूँ। लाला जी
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। और भाई जी आपका मैं आज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साक्षात कर रहा हूँ। व्यापारी भाइयों की जो ले लिए अभी तक नया बाजार पे, आप तो दोनों से सीमित है, नया बाजार से भी और समाज से भी, आप दोनों के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। आप नया बाजार में कब आए, कैसे आए, क्या किया, मैं 50 साल से 53 साल से आपको बराबर मैं देख रहा हूँ। इसकी समाज को देश विदेश में आप अपनी पहचान पहुंचाने के लिए दो शब्द बोलने की कृपा करें। मैं नए बाजार में 52 में आया, 8 रुपए की नौकरी करी, 8 के 10 हुए नहीं तो मैंने 55 में दलाली शुरू कर दी। अच्छा, दलाली का भी किया 55 से? हाँ, और मैंने 70 से 73 तक दलाली में मेरे खूब बारिश हुई। अच्छा। उसके बाद मैं दुकान भी करी, फैक्ट्री भी, कागज का काम भी, ये सारे काम सिर्फ इस बाजार की कृपा से हुए हैं, इस बड़ा दयालु और बढ़िया बाजार। बढ़िया बाजार है। हाँ। फिर समाज की जहाँ तक बात है, गुरुओं की बड़ी कृपा रही है मेरे पास। सही कह रहे हैं। पूना सम्मेलन में पूरी ट्रेन लेके गया था 87 में मैं। पूरी ट्रेन उस टाइम? पूरी ट्रेन उस टाइम में, महासंघ का अध्यक्ष था मैं, जैन महासंघ का। जैन महासंघ का। हाँ। और पूज्य श्री आचार्य तुलसी मुनि जी महाराज से। अच्छा। मेरा बड़ा घनिष्ठ परिचय है, क्यों, मेरे दो नाना दोनों 13 पंथ से थे। अच्छा अच्छा। हाँ, दो माताएं थी मेरी। अच्छा, तुलसी सिंह भी आपका विशेष है? हाँ, वो क्या है कि वो हरियाणा में बैठे, मैं वहां नाना गया था उनके साथ, कई दिन मैं बिहार में रहा। अच्छा। तो परिचय बढ़ गया और फिर आके दिल्ली, दिल्ली वो मेरे घर पर। अच्छा। ठहरे। अच्छा, तुलसी नहीं, आचार्य देवेंद्र मुनि। अच्छा, देवेंद्र मुनि, सॉरी सॉरी सॉरी, आचार्य तुलसी घर पर नहीं ठहरे, उनका तो 2 हाथ से आशीर्वाद मेरे पे था जिससे मैंने तरक्की करी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और पूरी समाज का था, समाज में जहाँ तक बात है, जिम्मेवारी तो मैंने 85 निभाई है, लेकिन मेन जैन महासंघ की स्थानकवासी समाज में बड़ी जिम्मेवारी, मैं 2 दफा उसका अध्यक्ष रहा। और यही फूड ग्रेन में, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट का 5 साल तक, मैं 4.5 साल तक मैं अध्यक्ष रहा हूँ, 2 दफा 2 टर्म। दो टर्म कंटिन्यू इलेक्शन लड़के जीतता हूँ। अच्छा अच्छा। और व्यापार महासंघ में कई साल से चेयरमैन हूँ, रजिस्टर महासंघ है, और पूरे दिल्ली का काम देखता है। आपने बहुत काम किया है बलाला जी। काम देखो प्रभु ने किया, इस मार्केट ने करवाया, या गुरुओं के आशीर्वाद से, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो भाई जो लगा रहा, मैंने तो संघ से मैंने सीखा है मेहनत करना, मेहनत और ईमानदारी मुझे मिली संघ से और गुरुओं से। बहुत बढ़िया। ये उनका प्रसाद है, गुरुओं का, आचार्य भवनों का, संतों का। राकेश मुनि जी महाराज, मैं बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, अनुवर भवन से बिहार करके। अच्छा। और मंगल पाठ सुनाने तीर्थाम हॉस्पिटल आए, और जून का महीना था, राकेश मुनि का जून का महीना था, राकेश मुनि महाराज, देखो राकेश मुनि बहुत रहे। हाँ। आज नहीं, और भाई मैं तो, और उनकी मंगल की कृपा समझो मैं खड़ा हो गया, 3 तो डेथ हो गई थी, मैं बचाऊं आप लोगों की सेवा। ये डिजिटल डायर की आसुरा के साथ जो ला रहा हूँ। हाँ। उसके बारे में क्या विचार है? ये आपने बहुत सुंदर काम करा है, मुझे तो पता नहीं था, आपने अभी बताया, क्यों कि हमारी जो संतान है ना वो डिजिटल होती जा रही है, हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है, क्या होता है, है? तो अब जो है ना, इसमें इस डायरेक्टरी की तरक्की तो होगी होगी, लेकिन आप निकलवा रहे हो तो इसमें समाज का भी फायदा होगा, व्यापार का भी फायदा होगा, ये मेरी शुभकामनाएं, ये हो और ये अच्छी कामयाब रहे, ये मेरी शुभकामनाएं डायरेक्टरी के लिए। अब ये बच्चों की शादी के बारे में जैसा एक शब्द बोल रहे थे, बच्चों की शादी के बारे में मुझे जानकारी मिली है समाज से, है, और समाज का ये कहना है कि भाई मुझे भी किसी ने कहा ही था, मुझे पता था ये करता है, लेकिन बोला जी आप इनसे मिलो, वाकई काम जो है ना बहुत सिजल और बढ़िया सुदृढ़ रहा, और कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई लोग लालच या कोई चक्कर पड़ा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भगवान आपको तरक्की दे, और मैं भी यही कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें
जोड़ी का रिश्ता चाहिए, उसको अपनी बात बता दो, हो जाएगा हो जाएगा, ना होगा तो मुकद्दर। तो मेरे बारे में भी, मेरे बारे में प्रचार करते हो आप? प्रचार नहीं करता मैं, असलियत कहता हूँ। हाँ, मैं आपका प्रचारक कतई नहीं हूँ, मैं तो हकीकत बात जो है वो कहता हूँ। और आप में कुछ गुण है तब मैं इस बात को करता हूँ, नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।